भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए देवकी और वसुदेव के यहां, और जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए, भगवान को गोकुल पहुंचा दिया गया। यशोदा मैया की बगल में जो बालिका थी उसको लाकर के कंस को सौंप दिया और भगवान गोकुल पहुंच गए। कहते हैं जब पता चला कि यशोदा पर लाला हुआ है, नंद के लाला हुआ है, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि नंद के यहां लाला हुआ है, पूरा ब्रजमंडल जो है आज यशोदा मैया के महलों में आ गया, पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया। लिखा है कि नंद बाबा का महल बहुत विशाल महल है, बहुत बड़ा, 85 चौक है उसमें, 85 चौक, और एक चौक इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि एक चौक में 10,000 गाय एक साथ बंध जाती हैं, इतना बड़ा एक चौक है। और 15 तो प्रधान द्वार हैं, मेन गेट जिनको हम बोलते हैं ना, मेन गेट, ऐसे ऐसे 15 गेट हैं, और छोटे मोटे तो जाने कितने होंगे, गिनती नहीं है, इतना बड़ा महल नंद बाबा का। और आज वो पूरा महल ब्रजवासियों से भर गया, पूरा ब्रजमंडल आज उस महल में समा गया, बधाई देने आ रहे हैं लोग, ब्रजवासी ब्रजगोपियां और नंद बाबा भी बधाई लुटा रहे हैं। नंद बाबा ने आज अपना खजाना खोल दिया, पूरा खजाना खोल दिया, कोई एक मांग रहा है तो नंद बाबा 10 दे रहे हैं, इतनी खुशी है नंद बाबा को, लुटा रहे हैं। और ऐसा लिखा है कि नंद बाबा ने इतना दान लुटाया कि जो देवताओं का वो है ना खजांची कुबेर, उसका खजाना खाली होने लगा था, और उसकी मति नष्ट होने लगी कि बोले मेरा खजाना ये नंद बाबा बिना देखे लुटा रहे हैं, क्यों उसका खजाना क्यों खाली हुआ, क्योंकि दान दे रहे हैं नंद बाबा और 10 गुना देना पड़ रहा है कुबेर को। भाई हम 10 रुपए दान करते हैं तो उसका 100 मिलता है, ये बिल्कुल लिखित है, अगर हम 100 दान करें तो उसका 10 गुना कुबेर को देना ही पड़ेगा, ये नियम है दान का, 10 गुना मिलता है। इसलिए नंद बाबा लुटा रहे हैं और उसका 10 गुना कुबेर को भरना पड़ रहा है नंद बाबा के खजाने में, इसलिए उसका खजाना खाली होने लगा था, इतना लुटाया नंद बाबा ने। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, ये नियम है भगवान का, वहां देवताओं का, आप एक हम लोग एक दान करेंगे 10 मिलेगा। और आज ब्रजवासी आ रहे हैं खूब आनंद से, बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, और आज क्या किया ब्रजवासियों ने कि जो भी कोई आता है नंद बाबा के महल के अंदर प्रवेश करता है तो जो मेन गेट है नंद बाबा का, वहां पे इन ब्रजवासियों ने क्या किया, एक बड़े बड़े माखन के गोला बना के परात में भर लिए, बड़े बड़े माखन के गोला बना के परातन में, बड़ी बड़ी परातन में भर लिए, और जो कोई बधाई देता है और ऐसे माखन के गोला ने हाथन में ले लेके और एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं, इतना प्रसन्नता है, क्यों, क्योंकि भगवान है ये जो आए हैं ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है कि कोई साधारण बच्चा हो, ये स्वयं परमपिता परमात्मा है, आनंद का स्वरूप है। और जहां आनंद का जन्म होता है वहां आनंद की वृद्धि होती है।